बीजेपी के नेता व पूर्व विधायक सरयू राय टाटा स्टील द्वारा दिए जा रहे नागरिक सुविधा को लेकर एक सर्वे करने जा रहे हैं। ये सर्वे एक महीने तक चलेगा। टाटा एक ऐसा शहर जहां क्लीन और ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है और इस लॉ नगरी में रहने वाले लोगों को टाटा स्टील कितनी सुविधा दे रही है, इस पर अब सवाल खड़ा हो गया है। और ये सवाल करने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी नेता सरयू राय है। सरयू राय अब टाटा स्टील के नागरिक सुविधा को लेकर एक सर्वे शुरू करने जा रहे हैं। ये सर्वे 1 फरवरी से शुरू होगा जो 28 फरवरी तक चलेगा। ये सर्वे 3 भागों में बांटा जा रहा है और 5,000 लोगों से उनके सुविधा के बारे में लिखित जानकारी ली जाएगी। वैसे यह जानकारी आज सरयू राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। पूरे जमशेदपुर में टाटा स्टील द्वारा दी जाने वाली नागरिक सुविधाओं की स्थिति क्या है, किस इलाके में कौन सुविधा कितना मिल रही है, कितना नहीं मिल रही है, इसके बारे में 1 महीना तक एक सर्वे लोग 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक कराएंगे। और इसमें हम लोग जमशेदपुर को 3 श्रेणी में बांटेंगे। एक जो यहाँ का विकसित क्षेत्र है, दूसरा बगान एरिया टाइप अर्ध विकसित क्षेत्र है और तीसरा बस्तियों का क्षेत्र है। तीनों क्षेत्रों में हम लोग वैज्ञानिक तरीके से नमूना बनाएंगे और उस नमूने के आधार पर 2500 से 5000 लोगों की राय हम लोग सब जगहों से लेंगे कि आप बताइए पानी मिल रहा है तो किस दर पर मिल रहा है, कितना मिल रहा है, बिजली मिल रही है तो कैसे मिल रही है, किसकी बिजली आपको मिल रही है, नाली निर्माण, सफाई, पार्क गार्डन का, और सबसे बढ़कर कि स्कूलों की क्या स्थिति है, चिकित्सा सुविधा की क्या स्थिति है। लीज समझौते में कहा गया है कि चिकित्सा और शिक्षा ये दोनों सरकार के बदले में टाटा स्टील देगा। मगर जितने इनके पहले स्कूल चलते थे ये सभी स्कूल इन्होंने किसी न किसी को सौंप दिया है और काफ़ी बड़ी रकम फीस के रूप में लेकर वो स्कूल नामांकन कर रहे हैं। तो सरकारी स्कूल है नहीं, टाटा स्टील कह के भी कर नहीं रहा है, तो यहाँ के लोग अपने बच्चों को एक सामान्य खर्चे पर कैसे शिक्षा देंगे।